YouTube हो या Instagram, लेकिन एक ऐसी कैटेगरी जहाँ पे व्यूज गारंटीड होते हैं वो है पॉडकास्ट शॉर्ट्स। और पॉडकास्ट शॉर्ट में बहुत ही तगड़े व्यूज आने के दो मेजर रीजंस होते हैं। पहला रीजन कि इन पॉडकास्ट की प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत ज्यादा टॉप नॉच होती है, मतलब ये पॉडकास्ट नॉर्मल कैमरे से शूट नहीं होते बल्कि बहुत ही हाई एंड कैमरे में यूज होते हैं, मल्टीपल एंगल्स पे कैमरे लगाए जाते हैं, स्टूडियोज बहुत टॉप नॉच होते हैं जो इन पॉडकास्ट को देखने में बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग बनाते हैं। और दूसरा रीजन कि इन पॉडकास्ट में बहुत ही पॉपुलर लोग आते हैं, मतलब करीना कपूर, अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन, इस तरह के लोग जब पॉडकास्ट में बैठते हैं और कुछ बोलते हैं तो लोग भाई ना चाहते हुए पूरी वीडियो देख लेते हैं कि आखिर बंदा बोल क्या रहा है। तो इन दो रीजन से पॉडकास्ट की वीडियोस पे काफी तगड़े व्यूज आते हैं। और मैंने अपने चैनल पे पहले भी पॉडकास्ट शॉर्ट्स जनरेट करने के लिए दो वेबसाइट्स बताई हुई हैं, टू शॉर्ट और वाइजार्ड। ये दोनों भी काफी तगड़े पॉडकास्ट शॉर्ट्स जनरेट करती हैं, लेकिन आज आपको एक बिल्कुल नई वेबसाइट के बारे में बताता हूं जो बिल्कुल ही नई लॉन्च हुई है, बिल्कुल ही फ्रेश है और बहुत ही तगड़े पॉडकास्ट शॉर्ट्स बना के दे रही है। तो कौन सी वेबसाइट है और किस तरह के पॉडकास्ट शॉर्ट्स जनरेट करके दे रही है, ये सब इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो बहुत अमेजिंग है, वीडियो को बिना स्किप किए देखना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर, और यहां पे आपको सैंपल के लिए दो ऐसे चैनल्स दिखाता हूं जिन्होंने इसी तरह के पॉडकास्ट शॉर्ट्स अपलोड कर करके काफी तगड़ी ग्रोथ ले ली है। ठीक है, सबसे पहला चैनल है स्क्रॉल फॉर फन, जिसने सिर्फ 35 वीडियो अपलोड किए हैं और 81,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। ठीक है, इसमें देखो आप लॉन्ग वीडियो है ही नहीं, सिर्फ शॉर्ट वीडियोज है। और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो और अब देखते हैं इनके व्यूज, लेटेस्ट वीडियो के व्यूज दिखा रहा हूँ आपको जो बिल्कुल लेटेस्ट अपलोड हुई है। जो लास्ट वीडियो है उस पर 8.9 मिलियन यानी ये 9 मिलियन क्रॉस करने वाला है। इसके बाद 11 मिलियन, 9 मिलियन, 1.4 मिलियन, 6.5 लाख व्यूज, और नीचे जो 2.3 मिलियन, 1.3 मिलियन, 45,000, 3.6, 1,26,000, मतलब मिलियन ही मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। और यही रीजन है सिर्फ 35 वीडियो में 81,000 सब्सक्राइबर्स। दूसरा चैनल है डी न्यूक्स, इसको भी आप देखो 22 वीडियो में 34,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। और यहाँ भी आप देख सकते हो वही पॉडकास्ट पॉपुलर लोगों के, यहाँ पे काट काट के क्लिप्स लगाता है, देख लो 99,000, 15,000, 53,000, 23,000, 2.8 मिलियन, और इस तरह से सही सही ये वीडियोस की 22 मिलियन चली गई है, 3 लाख या 8 लाख, मतलब ये भी तगड़े व्यूज मार रहा है। ठीक है, और इसीलिए इसने सिर्फ 22 वीडियो डाल के 34,000 सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए हैं। अब यहाँ पे आपको ये एक बात पहले ही बता दूं कि इस तरह के पॉडकास्ट शॉर्ट्स वाले चैनल जो हैं, ये भले 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए या 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, ये चैनल मोनेटाइज तो नहीं होंगे, ये बात फॉर श्योर है, क्योंकि ये सीधे सीधे रीयूज कंटेंट में डाल देगा, यूट्यूब उसको रिजेक्ट कर देगा। तो इससे आपको अगर कमाना है इस तरह के चैनल बना के, अगर आपको कमाना है तो एक ही तरीका होता है, जो एक लोगो स्पॉन्सरशिप होती है जो कुछ कंपनीज आपको लोगो लगाने के लिए देती हैं। आप बहुत सारे शॉर्ट्स ऐसे देखे होंगे इंस्टा पे भी और यूट्यूब पे भी, जहाँ पे ऐसे ही शॉर्ट वीडियोस या रील्स पे एक लोगो दिखाई देता है आपको राइट या लेफ्ट साइड पे टॉप पे, और वहाँ पे जितने व्यूज़ आते हैं आपको उस हिसाब से आपको पैसे दिए जाते हैं, कंपनीज आपको पे करती हैं, 1 मिलियन व्यूज़ पे 4,000, 5,000, 6,000, इस तरह से वो पे करती हैं कंपनीज। तो आप उस तरह से अर्निंग कर सकते हो, या फिर अगर मतलब अगर आपको उस तरह से अर्निंग नहीं करनी है लोगो स्पॉन्सरशिप, क्योंकि अर्निंग वो कम ही होती है, मिलियन व्यूज पे 4-5 हज़ार रुपये ही मिलते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो, अगर आपका चैनल बिल्कुल नया, एक चैनल स्टार्ट करने जा रहे हो, तो इस तरह के पॉडकास्ट शॉर्ट डाल के आप अपना चैनल इनिशियली ग्रो कर सकते हो, 40-50 हज़ार सब्सक्राइबर्स पे लेके जाओ अपने चैनल को, या 1 लाख सब्सक्राइबर पे लेके जाओ, सिल्वर प्ले बटन उठा लो, और उसके बाद जब एक अच्छी रीच बन जाए तो उसके बाद अपने मेन जो कॉन्टेंट पे आ जाओ, अपने फेस कैम वीडियो बनाओ या अपना कोई ओरिजिनल कंटेंट डालो जो चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि ये मोनेटाइज तो नहीं होगा। तो इसे आप इनिशियली बूस्ट कर सकते हो, अपने एक सब्सक्राइबर बेस बना सकते हो, या फिर लोगो स्पॉन्सरशिप से इस तरह की वीडियोस में से पैसे कमा सकते हो। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे कि भाई वो वेबसाइट कौन सी है जिससे हम इस तरह के पॉडकास्ट शॉर्ट्स जनरेट करेंगे। ठीक है, तो अपन चलते हैं, नया टैब ओपन करते हैं और यहाँ पे ओपन करते हैं video.ai। वेबसाइट का नाम याद रखना video.ai, VIDYO। ठीक है, और इसमें आप आगे आपको अगर आपका अकाउंट नहीं है तो यहाँ पे आपको साइन अप कर लेना है, और अगर मेरा अकाउंट ऑलरेडी है तो मैं यहाँ साइन इन कर लेता हूँ। अब ये इस वेबसाइट का होम पेज है और बहुत ही सिंपल सा लेआउट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे, और इस पेज पे आपको सिर्फ उस वीडियो का लिंक पेस्ट करना है, यूट्यूब वीडियो का लिंक पेस्ट करना है जिसकी आपको क्लिप्स बनानी है। तो क्लिप निकालने के लिए हम चलते हैं यूट्यूब पे, और यहाँ पे किसी एक पॉडकास्टर का हम सर्च करते हैं, रणवीर अलाहाबादिया के हम पॉडकास्ट सर्च करते हैं और कोई एक अच्छा सा पॉडकास्ट उठा लेते हैं। तो थोड़ा सा नीचे अपन स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारे नए मतलब इसके रेगुलर पॉडकास्ट आते रहते हैं और एक से एक पॉपुलर लोगों के साथ आते हैं,
तो जो भी बंदा आपको लगे कि यार इसकी भी वायरल, इस बंदे की मतलब फेस वैल्यू अच्छी है और इसकी शॉर्ट्स लोग देखेंगे जाके, तो उनका आप उठा लो। जैसे रिसेंटली ये पॉडकास्टर राजकुमार राव का, पॉपुलर बंदा है, बहुत फेमस एक्टर है, उसका उठा सकते हो। अक्षय कुमार और ये टाइगर श्रॉफ की जो पॉडकास्ट हुई थी, इनकी बड़े मियाँ छोटे मियाँ से पहले, वो उठा सकते हो। तो इस तरह से दिलजीत दोसांझ की पॉडकास्ट बहुत तगड़ी चल जाएगी। तो हम इसी के लिए एग्जांपल के लिए यही ले लेते हैं, राजकुमार राव वाला पॉडकास्ट। ठीक है, तो यहाँ पे इसको करते हैं क्लिप और यहाँ पे शेयर, और यहाँ से कर लेते हैं इसका कहाँ गया, ये कॉपी कर लिया लिंक। तो अब इस वीडियो का लिंक हमारे पास आ गया है। वापस से चलते हैं अपनी वेबसाइट पे, यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और अब यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है इम्पोर्ट पे, और इम्पोर्ट पे क्लिक करते ही वो अपने आप ही ऑटोमेटिक जो बेस्ट पार्ट्स हैं, जो बेस्ट शॉट्स हैं, वो हमें निकाल के दे देगा। तो अब करते हैं इम्पोर्ट। थोड़ी देर की प्रोसेसिंग के बाद इस पूरी वीडियो को एनालाइज करके इसने बना दिए हैं 13 क्लिप्स। ये आप देख सकते हो, यहाँ पे प्रोसेसिंग पूरी हुई है और नीचे लिखा हुआ है 13 क्लिप्स। इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पे 13 क्लिप्स सारी की सारी इसने लाइन अप कर दी हैं। अब अपने हिसाब से आप एक एक को प्ले करके भी देख सकते हो, जो भी सही लगता है उसमें कुछ चेंजेस करने हैं वो भी कर सकते हो। चेंजेस कैसे करने हैं वो भी बताता हूँ, लेकिन पहले कुछ शॉर्ट्स देख लेते हैं इनके, किस तरह के शॉर्ट्स ने जनरेट किए हैं। तो ये एक शॉर्ट इसने जनरेट किया है जिसका टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ नेपोटिज्म। ठीक है, इसको एक बार चला के देखते हैं। बट मुझे ये भी लगता है कि अभी मेरा पहले भी यही आंसर होता था कि somebody who is deserving should get it। अब चलते हैं एक बार दूसरा इसकी क्लिप देखते हैं। It helps me to find new exciting filmmakers, क्योंकि आगे चल के you never know, I would love to work with them। क्या एक ये तीसरी क्लिप देख लेते हैं, मतलब सारी अच्छी हैं, आप कैप्शंस भी देख सकते हो साथ में, काफी सही कैप्शंस भी लगाए हैं। Somebody is not deserving ना, वो ज्यादा मौका देंगे नहीं। और प्रोड्यूसर भी आफ्टर पॉइंट अगर 3, 4, 5, 6 नहीं हो रहा है कुछ, तो इस तरह की क्लिप्स हैं, बहुत ही तगड़ी हैं। इसमें कैप्शंस भी लगे हुए हैं और कैप्शंस भी काफी एंगेजिंग कैप्शंस हैं, मतलब ऐसे नहीं बोरिंग से प्लेन जो कैप्शंस लग जाते हैं वो नहीं है, काफी सही कैप्शंस हैं। लेकिन फिर भी इसमें एक प्रॉब्लम हो सकती है, या आपको अगर कुछ चीजें चेंज करनी है तो आपको आ जाना है नीचे एडिट पे। सबसे पहले एडिटिंग आप ये कर सकते हो कि कोई भी इस वीडियो का सीन अगर आउट ऑफ स्क्रीन है, जैसे यहाँ पे रणवीर इलाहाबादी स्क्रीन के बाहर दिख रहा है, तो इसको आप ड्रैग करके स्क्रीन में ला सकते हो। ठीक है, ये काम आप एडिट में जाके कर सकते हो। तो एक ये चीज हो गई। दूसरा, ऊपर दिख रहा होगा जो डाइमेंशंस हैं, कौन से फॉर्मेट के लिए आपको वीडियो चाहिए, तो इसे ओपन कर लो। आप चाहो तो शॉर्ट्स बना के लॉन्ग क्लिप्स भी निकाल सकते हो, यानी लैंडस्केप में ले लो इसको। अब यहाँ पे आपको कटी हुई नहीं बल्कि पूरी क्लिप मिलेगी 16:9 रेशियो वाली। ठीक है, पूरी वही क्लिप्स वही रहेंगी 30-30 सेकंड वाली, लेकिन यहाँ पे आपको 16:9 रेशियो वाली मिल जाएंगी। एक 16:9 है रील्स या शॉर्ट्स के लिए, 9:16। पोर्ट्रेट स्प्लिट इसका कोई फायदा है नहीं, और अगर फेसबुक पर डालने हो तो आप स्क्वायर वाला भी यूज कर सकते हो, लेकिन उसमें जाने की जरूरत नहीं है। अपन लेते हैं शॉर्ट्स और रील्स वाला 9:16। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ये काम हो गया। इसको हम ले लेते हैं स्क्रीन के अंदर। अब आते हैं दूसरी चीज पर कि यहाँ पे आप देखोगे लेफ्ट साइड में बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, और टेम्पलेट्स किस चीज के हैं, मतलब कैप्शंस किस तरह से दिखाई देंगे, ये सारे आपको यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कोई जो भी कैप्शन आपको पसंद आता है उसको यहाँ चूज कर लो, और यहाँ पे आप देखो कैप्शन बिल्कुल फटाक से चेंज हो गए हैं। अब एक बार इसको प्ले करके देखते हैं। फिर भी आफ्टर पॉइंट अगर 3, 4, 5, 6 नहीं हो रहा है कुछ, तो उनको भी समझ आएगा कि यार यू नो व्हाट एक्चुअली मे बी ही और शी इज नॉट मेंट फॉर इट। तो यहाँ पे आप देखो कैप्शंस बदल गए हैं, और ऐसे ही जो भी जिस तरह के भी जिस फॉर्मेट के कैप्शंस आपको चाहिए वो आप ले सकते हो। स्टॉक टेम्पलेट्स हैं बहुत सारे हैं, मतलब देखने जाओगे तो बहुत ही सारे हैं। जो भी आपको सही लगे उसको यहाँ से डन कर सकते हो, और आपको पोर्ट्रे या फुल स्क्रीन दोनों तरह की, जैसे मैंने बता दिया, फुल स्क्रीन भी ले सकते हो शॉर्ट्स, उस पर भी व्यूज अच्छे आएंगे, और शॉर्ट्स पे तो ऑब्वियसली ज्यादा ही आएंगे। सब कुछ ओके है, ऑल डन है, सारी चीजें ठीक है, तो आपको सिंपली क्लिक करना है डाउनलोड पे। और डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लेबैक स्पीक नॉर्मल है, जो आपके रिजोल्यूशन है 720 1080 पे, शायद प्रीमियम वर्जन है तो 720 पे ही कर देंगे, इसको कर देंगे कंफर्म, और ये आपके सिस्टम पे सीधे सीधे डाउनलोड हो जाएगी। वैसे एक तरीका और है डाउनलोड करने का, मतलब जो भी क्लिप आप प्ले कर रहे हो, और यहीं पे ही एक ऑप्शन है वीडियो के नीचे ही, ऑप्शन है डाउनलोड का, यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ से भी स्ट्रेट अवे आपके सिस्टम पे
डाउनलोड हो जाएगी। तो इस तरह से video.ai को यूज करके भी आप काफी तगड़े पॉडकास्ट शॉर्ट्स जनरेट कर सकते हो। और अब इन्हें इंस्टा पे डालो, फेसबुक पे डालो, यूट्यूब पे डालो, भाई हर जगह व्यूज ही व्यूज आएंगे। एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।